हाय, आज के वीडियो में हम मॉडल वर्ब जो है शुरू करेंगे। इसे हम मॉडल्स भी कहते हैं। और मॉडल वर्ब जो है वो काफ़ी ज़रूरी इसलिए भी है कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे क्वेश्चन बिल्कुल रहता है। और ये कन्फ्यूजन भी क्रिएट करते हैं कि कैन का इस्तेमाल कहाँ किया जाए, मे कहाँ इस्तेमाल किया जाए और माइट का इस्तेमाल कहाँ किया जाए। वैसे इस वीडियो में हम मॉडल के जो है बेसिक को देखेंगे, इंट्रोडक्शन को देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम रिवीजन कर ले। वैसे वर्ब पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। ओके, तो पहले हम वर्ब के रिवीजन को कर लेते हैं, फिर मॉडल्स के जो है इंट्रोडक्शन को हम करेंगे। ओके, वर्ब कहते किसको हैं? वर्ब जिससे एक्शन या स्टेट ऑफ बीइंग पजेशन यानी अधिकार हो, जैसे आई हैव अ कार, कोई एक्शन हो जैसे आई एम गोइंग देयर। ये सब चीज़ मैंने ऑलरेडी बता दी है, इसलिए मैं इसे थोड़ा तेज़ी से बता रहा हूँ। ओके, या स्टेट ऑफ बीइंग हो जैसे आई एम अ स्टूडेंट। क्लियर? वर्ब जो होते हैं दो तरह के होते हैं, जो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरीज वर्ब। मेन वर्ब को ऑर्डिनरी वर्ब, फुल वर्ब, लैक्सिकल वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब भी कहा जाता है, और ऑक्सिलियरीज वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। ओके, और ऑक्सिलियरीज वर्ब जो होते हैं या हेल्पिंग वर्ब, वो तीन तरह के होते हैं और ये पूरे 24 होते हैं, जिसमें प्राइमरी ऑक्सिलियरीज वर्ब, जिनका इस्तेमाल हम मेन वर्ब की तरह भी कर सकते हैं। अगर दूसरा वर्ब मेन वर्ब ना हो तो ये मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल होते हैं। इन्हें हम प्रिंसिपल ऑक्सिलियरीज वर्ब भी कहते हैं या प्राइमरी ऑक्सिलियरीज वर्ब कहते हैं। जैसे अगर आई एम अ स्टूडेंट हो, यहाँ दूसरा वर्ब नहीं है तो एम फुल वर्ब हो जाएगा, या आई हैव अ कार, तो यहाँ पे हैव जो है वो फुल वर्ब की तरह इस्तेमाल होगा। क्लियर? अगर आई एम गोइंग टू मार्केट तो यहाँ गोइंग आ गया, तो गोइंग आने के बाद ये एम जो होगा वो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा और वही हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है। ओके, तो ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है। मॉडल वर्ब जो है वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है और यह मेन वर्ब की तरह काम नहीं करता है। क्लियर? मॉडल वर्ब जो है वह हेल्पिंग वर्ब की तरह ही सिर्फ काम करता है और यह वर्ब के मूड को बताता है, और इसके साथ जो है वर्ब का होना ज़रूरी है, और वर्ब का पहला फॉर्म जस्ट मॉडल के बाद इस्तेमाल होता है। ये पूरे 11 नंबर में होते हैं, ये 10 होते हैं और ये 3 होते हैं। क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? वीडियो ऑलरेडी बनी है, आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मॉडल वर्ब्स या मॉडल्स जो होते हैं वह मेन वर्ब के मूड को बताते हैं, एक्शन के मूड को बताते हैं। ओके, और मूड क्या होता है? मूड जो होता है एक्शन का रीति, ढंग, मैनर। ओके, किस मैनर में वो आगे यहाँ पर क्लियर होगा उसके इस्तेमाल से। मॉडल वर्ब्स का जो इस्तेमाल हम करते हैं, ओके, वह हम ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए, ऑब्लिगेशन बाध्यता को एक्सप्रेस करने के लिए, एबिलिटी पावर, परमिशन रिक्वेस्ट पॉसिबिलिटी। ड्यूटी ऑब्लिगेशन, वी शुड लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए, तो यहाँ ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है। वी शुड गो देयर, हमें वहाँ जाना चाहिए। ओके, एबिलिटी आई कैन डू दिस। ओके, एबिलिटी पावर आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, या पावर एक्शन के मोड को बता रहा है कि आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को जो है उठा सकता हूँ। ओके, परमिशन, परमिशन में हम मे का इस्तेमाल करते हैं, कुड का, विल का, वुड का, इस सब का इस्तेमाल हो सकता है। ओके, जैसे मे आई गो आउट सर, वेरी सिंपल एग्जाम्पल। और रिक्वेस्ट के लिए हम विल का इस्तेमाल, वुड का, शैल का, इन सब का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, रिक्वेस्ट के लिए शुड आई गो, ओके, ये भी इस्तेमाल, क्या मैं जाऊँ। ओके, पॉसिबिलिटी के लिए, जैसे इट मे रेन, इट माइट रेन। ओके, तो यहाँ पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि बारिश हो भी सकती है, बारिश नहीं भी हो सकती है, तो इसमें इस्तेमाल होता है। और ये जो है हमारे पूरे यहाँ पर ये 10 हैं। वैसे मैंने जो है मार्जिनल ऑक्सिलियरीज वर्ब या मॉडल वर्ब को हमने अलग रखा है, जो 3 अलग हैं। ओके, तो यहाँ हिंदी एक बार इसका मीनिंग देख लेते हैं। कैन सकना, मे सकना, सकता है के सेंस में इस्तेमाल होता है। कुड सकता, सका या सकता था, माइट भी उसी सेंस में इस्तेमाल होता है। शैल
गागेगी और विल भी गागेगी में इस्तेमाल होता है, शुड और वुड, शुड चाहिए में भी इस्तेमाल होता है, और शुड जो है वह शैल का पास्ट में भी इस्तेमाल होता है, और वुड जो है ये पास्ट में इस्तेमाल होता है। इवन वुड जो है हम इसे परमिशन परमिशन के लिए या रिक्वेस्ट के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। मस्ट चाहिए और टू भी चाहिए के सेंस में ये इस्तेमाल होता है। ओके, तो ये जो है ये सारे मोड को बताएंगे और ये मोडल वर्ब्स कहलाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे हम मोडल वर्ब्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे, विशेषताएं को देखेंगे। ओके, कुछ उसके फीचर्स को देखेंगे। मोडल वर्ब जो है एक खास पैटर्न जो है फॉलो करता है, अगर आप इसे समझ गए तो आप यूजेज को समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी और ये बिल्कुल आपके लिए आसान होगा। ओके, सबसे पहली चीज़ जो है, मॉडल वर्ब्स जो होता है वो कभी भी अलोन नहीं होता, उसके साथ जो है मेन वर्ब और वो भी वर्ब का पहला फॉर्म इस्तेमाल होता है। जैसे आई कैन डू इट, तो यहाँ पे कैन जो है ये मॉडल वर्ब है, लेकिन इसके बाद वर्ब वन वर्ब का पहला जो है वो फॉर्म इस्तेमाल हो रहा है, ये कभी भी अलोन नहीं होगा। हाँ, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेज में, जैसे मैं आपसे पूछूँ कैन यू रीड दिस बुक, क्या आप इस किताब को पढ़ सकते हैं, और आपका जवाब होता है यस आई कैन, आपने रीड यहाँ नहीं बोला, लेकिन रीड जो है यहाँ छुपा हुआ है। ओके, तो आई कैन रीड को जो है वह दर्शाता है, क्लियर। तो बिना जो है मेन वर्ब के इनका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, समटाइम्स मे बी इट इज़ हिडन। ओके, और ये जो होते हैं जैसे कैन, कुड, मे, माइट, ये प्रेजेंट और पास्ट के लिए जो है भी इस्तेमाल होते हैं। ओके, मॉडल वर्ब के बाद अगर बी लगा दिया जाए, ओके, और वर्ब का चौथा फॉर्म लगाया जाए, तो ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस को डिनोट करेगा। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई विल बी गोइंग देयर, तो यहाँ पे हमने गोइंग का इस्तेमाल किया तो ये फ्यूचर को डिनोट कर रहा है। यू मे बी स्टार्टिंग दिस, स्टार्टिंग इट, यू मे बी स्टार्टिंग इट, तो यहाँ मे बी ये फ्यूचर सेंस को जो है वह डिनोट कर रहा है, प्रेजेंट सेंस को और फ्यूचर सेंस को। ओके, आई कैन बी अ लीडर। ओके, तो यहाँ पे आप सेंस को देख रहे हैं, या तो प्रेजेंट या तो फ्यूचर में यहाँ पे सेंस जा रहा है, क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉडल वर्ब के बाद अगर हैव और वर्ब थ्री हो तो हमेशा जो है ये पास्ट के सेंस में चला जाएगा। जैसे आई मे हैव गोन देयर, मैं वहां जा सकता था। ओके, आई कुड हैव रिटन दिस लेटर, मैं इस लेटर को लिख सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंस है, माइट के साथ भी हैव लगेगा, मॉडल के हर फॉर्म के साथ हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं, विल हैव, शैल हैव, ओके, ये सारे जो है इस्तेमाल होंगे, और उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा और ये पास्ट को ही सिर्फ डिनोट करेगा, क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉडल वर्ब का जो पैसिव फॉर्म होता है, पैसिव वॉयस में, वो हम बी और वर्ब थ्री लगाते हैं, ये जब हम वॉयस पढ़ेंगे तो वहाँ हम देख लेंगे। जैसे अ लेटर कैन बी रिटन बाय मी, तो यहाँ पे जो है हमने कैन बी का इस्तेमाल किया, कैन मॉडल के बाद बी का इस्तेमाल और उसके बाद हमने वर्ब थ्री का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये पैसिव फॉर्म में बी के बाद, हम बी के बाद आई एन जी फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बी फोर और हम जो है ये थर्ड फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लियर। अगर यहाँ पे कैन हैव वाला होता, ये वाला होता, तो हैव बीन हो जाता। अ लेटर कैन हैव बीन रिटन बाय मी, सम चेंजेस हैव बीन, सम चेंजेस मे हैव बीन जस्टिफाइड, तो यहाँ पे जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हैव बीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, और बाद में वर्ब का तीसरा फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, क्लियर।
मॉडल वर्ब जो होते हैं उसमें कुछ इन्फ्लेक्शन नहीं होते, इन्फ्लेक्शन दैट मीन्स कैन में एस ए आई एस नहीं लगा सकते हैं, सारे जो है सब्जेक्ट के साथ वही इस्तेमाल, आई के साथ भी कैन इस्तेमाल होगा, वी के साथ भी कैन इस्तेमाल होगा, ही के साथ भी जो है सिर्फ जो है शैल और विल में जो होता है वो थोड़ा सा शैल का इस्तेमाल हम आई और वी के साथ करते हैं, जबकि विल का इस्तेमाल हम बाकी सब के साथ करते हैं, अदरवाइज बाकी दूसरे के साथ जो है सेम सेम रहता है। और जो हमारा मॉडल वर्ब होता है, मॉडल वर्ब के बाद वर्ब का पहला फॉर्म इस्तेमाल हो रहा है बिना टू के, लेकिन ऑट टू जो है इसमें एक्सेप्शन है, ओ यू जी एस टी, ऑट के बाद टू का इस्तेमाल होता है, और यूज्ड के बाद भी टू का इस्तेमाल होता है जो मार्जिनल वर्ब में आता है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई इसमें चेंजेस नहीं होंगे, ना एस ना ई एस लगेगा, ओके, और ना ही जैसे इस सब्जेक्ट के साथ ये होगा सिर्फ शैल और विल को छोड़ के। क्वेश्चन इससे बनाया जा सकता है, ओके, क्वेश्चन हम बना सकते हैं मॉडल वर्ब को पहले करके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टैग भी इसका बनता है, ओके, टैग्स क्वेश्चन टैग्स जो होते हैं ये कन्फर्मेशन के लिए लास्ट में जो है क्वेश्चन टैग्स हम लगा देते हैं, जैसे अगर बोला जाए शी कैन राइट, उसके बाद कांट शी, तो यहाँ पे जो अगर ये अफर्मेटिव में होता है तो निगेटिव उधर कर देते हैं, इसमें सिर्फ हैना का सेंस आता है, जो कन्फर्मेशन के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन टैग, छोटा सा टैग लगा देते हैं, ये जब पढ़ेंगे तो वहाँ भी क्लियर होगी। तो ये हमारा मॉडल वर्ब का इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, अगले जो वीडियो में हम पढ़ेंगे कैन और कुड के यूजेस को पढ़ेंगे, ओके, कहाँ इस्तेमाल होते हैं, और उस बेस्ट पे जो क्वेश्चन होंगे हम कोशिश करेंगे हम उसे सॉल्व भी करें। तो यहाँ मॉडल वर्ब में क्लियर हो गया, मॉडल वर्ब्स जो है एक्शन के मोड को बताता है, ओके, और ये पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट, परमिशन, पावर, एबिलिटी, इन सारे चीज़ों को जो है ये बताता है, ओके। उम्मीद करता हूँ इससे काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा, आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। Thanks for watching this video.